नमस्कार, वी न्यूज में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। आज हम श्यामनगर में एक घर में आए हैं, राजा प्लाट। ये गांव का नाम राजा प्लाट है, जो ही श्यामनगर के अंडर आता है। तो यहाँ पे एक परिवार ने हमें कॉल किया सुबह, कहा कि कल रात को इनके घर पे जंगली हाथी ने हमला किया और इनका जो है घर अब देख सकते हो पूरा तोड़ चुके हैं। बल्कि इनका मेन परेशानी ये है कि हमसे कॉल करके बोले कि मैम, कल रात को जब हाथी आया हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब मुझे 10-11 बजे ये लोग कॉल करे, तब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कोई भी इंसान यहाँ पर देखने के लिए भी नहीं पहुँचा था। तब तक आप देख सकते हो यहाँ पे और इनका घर, चटाई वगैरह सब कुछ तोड़ के रखे। और यहाँ पे नीचे में दिखाने चाहूँगी, यहाँ पे हाथी का निशान दिख रहा है। हाँ जी, अब देख सकते हो यहाँ पर हाथी का टांग का निशानी भी दिख रहा है हर जगह। और मैं बताना चाहूँगी, ये जो जगह है ये पट्टा वाला ज़मीन है। ऐसा नहीं है कोई फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर ये रह रहे हैं और हाथी आके तंग कर रहे हैं। ये पट्टा वाला ज़मीन है और जंगली हाथी इनको आके परेशान कर रहा है, और ये एक दो दिन से नहीं, काफ़ी सालों से ऐसा करता है। और इनका ये भी कहना है कि हर साल हमारा ऐसा नुकसान करता है, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाते हैं लेकिन कोई एक्शन तो होता नहीं। उसके अलावा हमारा जो नुकसान होता है उसका भी कुछ वो हमें देते नहीं है, नुकसान भरपाई भी नहीं करते, एटलीस्ट 1% भी नहीं देते हैं। कि हम आपको रुक कराते हैं, जैसे कि हम शहर में रहते हैं, अच्छे जगह रहते हैं, और जहाँ पर हम एक छिपकली देखते हुए बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और यहाँ के लोग, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोज़ जंगली हाथी से सामना करते हैं फिर भी अपने घर पर रहते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन तो नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए घर हमने आपको दिखाया कि घर तोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए इनका ज़मीन, यहाँ पे देखिए निशान, हाथी जहाँ पर रात को आया था यहाँ पे बड़े बड़े निशान भी दिख रहे हैं हमें। हमें देखकर ही डर लगता है, और सोचिए ये लोग इतने छोटे छोटे बच्चे के साथ इस घर पे रहते हैं। हालांकि हम जो है जंगली हाथी है उसे कंट्रोल हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है, लेकिन इनका कहना कुछ तो इनको दिया जाए, इनका जो नुकसान होता है एटलीस्ट इनको सेव रहने के लिए कुछ पटाखा, या जब ये कॉल करें एटलीस्ट तब तो आप लोग अवेलेबल हो सकते हैं इनके लिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो आपको आगे भी दिखाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा जो है ख़राब हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से जाना है तो कीचड़ लग, हाँ राजा ले लो, ये देखिए यहाँ पे लगातार यहीं से जो है हाथी आया और रिटर्न भी यहीं से गया है। रिटर्न वहाँ से गया, अच्छा यहाँ से हाथी आप देख सकते हो यहाँ से आया है, यहाँ पे पूरा निशान भरा पड़ा हुआ है, ये पूरा देख सकते हो यहीं पे जंगल है। और ये बार बार मैं कह रही हूँ ये इनका पट्टा वाला ज़मीन है, तो इनके पास ऑप्शन भी नहीं है कि इस जगह को छोड़ के वो लोग कहीं और जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो खाएंगे कि यहीं पर ये लोग खेती बाड़ी करते हैं और पूरा गांव ऐसे। और ये मैं बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट मामला नहीं है, मैंने यहाँ राधानगर श्यामनगर में पहले भी एक हाथी के मामला, इवन हाथी तक हमने दिखाया, जब एक लेडी ने हाथी को भगा रहा था इस करंट खंभा पे मार कर, अब तब भी मैंने वीडियो बनाया था, और तब भी उन लोग ने भी मांग रखा था कि एटलीस्ट राधानगर एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का दो एक पोस्ट बने जहाँ पर दो गार्ड तो एटलीस्ट हर टाइम रहे, क्योंकि यहाँ पर हर टाइम खास करके बारिश काल में तो हाथी आते ही रहता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर भी निशान हम दिखाने चाहेंगे, पूरा निशान है यहाँ पर देख सकते हैं। सीजन में थोड़ा कम, जब हम लोग धान पक जाएगा खेती में तब तो बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होता हम लोग, महीना में क्या हफ्ता में 3 दिन तो आएगा ही आएगा धान पकने का समय। अभी वही हम लोग साल भर का खाना है, वही उतना हम लोग बना के रखता। हम लोग तो सोचता कि ये धान को बचा के कैसे भी हम लोग का जीना है जी। तो वो टाइम में ज़्यादा तांग करता हाथी, लेकिन हम लोग फ़ोन करेगा, कॉल कर दिया बाजार से डिगलीपुर से यहाँ आने के लिए 1 घंटा से ऊपर लगता, वो जगह उन लोग 3 घंटा में पहुँचता, कभी 2 घंटा में, कभी 2.5 घंटा में। तो ये राधानगर में उन लोग का कैंप है, वहाँ में कम से कम दो जन ऑफिसर को रख सकता कि आप लोग ये साइड संभालना करके, तो उतना रखेगा। हम लोग कॉल करने से वहाँ से इधर आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट उन लोग आके हम लोग का हेल्प करेगा, हम लोग तो बस्ती वाला सब रहता जी। तो हम लोग सब मिलके अगर उसको भगाएगा तो उन लोग के पास पटाखा रहता, गन रहता, उन लोग भी
फटाका में काम नहीं हुआ तो एक गन फायर किया तो वो हाथी भाग सकता जी। तो अभी गन लेके आने में 1 घंटा 2 घंटा लेट कर दिया तो हम लोग क्या करेगा? उतना देर तो मैं एक घर तो क्या, एक पूरा बस्ती को हाथी खत्म कर सकता। कहा जिसका 1 घंटा में इतना देरी इतना नुकसान कर दिया तो वहां से 1 घंटा बाद में आएगा तो वो कितना कर सकता? कल तो हाथी कितना था वो तो देखा भी नहीं, हम तो एक हाथी देखा खाली जी। वो जो घर घर का बगल आया था वो खाली देखा, उधर खाया वो अलग हाथी था, ये साइड में खाया वो अलग था। अभी कितना हाथी था? उतना हाथी आके अगर पूरा झुंड आके घर का ऊपर हमला कर दिया तो हम लोग कहाँ जाएगा जी। जिसकी इनका गुस्सा में बार बार दिख रहा है, इनका तकलीफ एक्चुअली देखिए क्या है कि हम जो घर पे बैठे हैं, ये किसान है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने कहा मैं धान करता हूँ या खेती करता हूँ, और उस समय जो है हाथी का बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। आप समझ सकते हो हम जो घर पे बैठ के खा रहे किसान, जो सिर्फ उनके लिए नहीं करते, वो बोल रहे हैं जो हम लोग करते हैं लेकिन वो हमारे लिए भी होता है, वो हमारे लिए खेती करते हैं, और उस किसान को जो जान को हथेली में लेके, मैं बोलती हूँ आप सोचिए, मैं जब घर पे उनका बैठी हुई थी और उनका जैसे मैंने देखा कि हाथी यहाँ से टाना है, तो सोचिए सिचुएशन, छोटा से बच्चे के साथ सोए रहते हैं और ऐसे कभी भी हाथी आ सकते हैं, तो रोज़ इनका कितना डर लेके यहाँ पर रहते, फिर भी वो इतना अपने खेतों से प्यार करते, उनको रहना ज़रूरी रहता है, वो अपना काम करते रहते। एटलीस्ट गवर्नमेंट और हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम इनको थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन देना चाहिए या इनका थोड़ा सा नुकसान तो देना ही चाहिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं हमें जो इन किसानों के लिए। तो अभी भी बहुत लोग हैं दिखाना चाह रहे हैं आसपास, तो सेम ही है इनका पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, वो भी हम थोड़ा देखते हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये देखिए और इनका बगीचा जो है, इनका हालत क्या हुआ है, पेड़ पौधा देख सकते हो कैसे तोड़ फाड़ करके रखे हुए हैं। नारियल पेड़ है यहाँ पे, केले पेड़ बहुत सारे हैं, देखिए इनका सुपारी पेड़, और यहाँ पर भी देख सकते हैं नारियल पेड़ भी तोड़ के रखे, पूरा नारियल पेड़ इनका तोड़ दिया है। शायद ये सब चीज़ जो देख रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कोई भी, उनको बहुत छोटा लग रहा होगा, क्योंकि इनका कोई टीवी नहीं टूटा है, इनका कोई फ्रिज नहीं टूटा है, इनका पक्का घर नहीं टूटा है, शायद इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनका एक पेड़ टूटा है या एक केला पेड़ इनका ख़राब हुआ है, शायद इसीलिए इनका बार बार कहने के बाद भी इतने सालों से कोई एक्शन इन तरफ से होता भी नहीं, इनको कुछ मिलता भी नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत मलिक है जी। बताइए क्या हुआ? कल रात को हम घर में सो रहा था, अकेला था घर में, रात को करीब 12:30 बजे आसपास हाथी आके यहाँ से चटाई टान दिया, हम भाग के निकला तो हाथी को भगा दिया जी। और साथ ही साथ हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन कर दिया कि इस तरह हाथी आया करके, तो उन लोग बोला ठीक है हम लोग आता है। फिर बाद में फ़ोन किया, बोलता कोई फ़ोन करके बोला चले गया, ठीक है वो चले गया, और रोटे में हाथी वो बगाली में था लेकिन थोड़ा देर बाद में नहीं था। लेकिन इस तरह हर साल हर महीना में आता, महीना में 1 बार 2 बार 4 बार आते जाता हम लोग इधर, हम लोग फ़ोन करता है, लेकिन डिगलीपुर से यहाँ आने के लिए हम लोग बाइक लेके आने से भी हम लोग करीब से करीब आधा घंटा में पहुँच जाता है। बड़ा गाड़ी लेके आता वहाँ में ठीक है 1 घंटा लगता, वो जगह 1.5 घंटा 2 घंटा में पहुँचता, तो डिपार्टमेंट वाला इतना लेट करेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? आपको क्या क्या नुकसान हुआ है? नुकसान तो उतना ज़्यादा इधर कुछ घर में कुछ नुकसान कर नहीं सका, हम घर में था हम भगा दिया उसको, तो इतना ही नुकसान किया घर का, और बाहर में केला पेड़ और जितना था उधर नारियल पेड़ पौधा पूरा नाश किया, सारा नाश कर। हाँ वो आप देख सकते हैं वहाँ में है जी। पूरा ए साइड वो साइड, फिर वो बगल घर का भी, उनका भी नुकसान किया पेड़ पौधा। कैसा पता चला आपको रात को जब हाथी आया, कैसा पता चला? हाथी आया चटाई टाना आवाज़ मिला, हम सोचा कोई कुत्ता होता हो गया, हम उसको भगाने का कोशिश किया तो देखता चटाई को पूरा ठेल दिया बाहर जी। तो हम जैसे लाइट जलाया तो वो टाइम देखता हाथी खड़ा है यही में, यही जगह खड़ा था हाथी जी। तो हम, मेरा पास फटका था, हम 2 फटका मारा, फिर यहाँ से भाग के खेती के बीच से जाके उधर भागा जी। फिर नाली किनारे में जाके फटका हम तो मारते जाता जी। और हाथी वही बगाली में खड़ा है, वो जाता ही नहीं। फिर हम लोग फॉरेस्ट वाले को फ़ोन किया, कितना बजे कॉल करे आप लोग? करीब
साढ़े बारह से वही एक बजे आसपास। कल यानी कि कल कितना तारीख था? कल था सात तारीख। सात तारीख डिपार्टमेंट सुबह और हम दोबारा कॉल किया, फिर बोला ठीक है हम आता है, तो बाबू आया था करीब दस साढ़े दस बजे आसपास आया था, यानी कि फोटो वोटो लेके आठ तारीख साढ़े दस ग्यारह बजे आसपास आया। ग्यारह बजे आसपास आपके पास आए? तो पहले भी इस तरह बहुत बार तोड़ के गया, ये वाला घर को भी तोड़ा था, ये अमीलों का घर है इसको भी तोड़ के गया, वो जो मेरा गाड़ी रोड का बगल ही में था गाड़ी को मेरा गिराया, बाबू लोग बोला हाँ ठीक है आपका गाड़ी गिरा दिया, एक इतना रेट का गाड़ी है कुछ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन एक पैसा हमको नहीं मिला। आपको डर नहीं लगता ऐसा हाथी रहते फिर भी आप लोग यहाँ? डर नहीं लगेगा, उतना बड़ा जानवर किसको डर नहीं लगेगा, कैसे रहते फिर भी आप? अभी ये खेती दिया हम लोग को तो इधर तो रहना ही है, दूसरा कोई जगह जाके काटेगा तो वहाँ से भगाएगा, केस करेगा, अंदर लेके जाएगा जी। कोई जरूरत नहीं है जी। तो अभी जिस तरह जगह दी है उसी में रहना हम लोग, उसी तरह गुजारा करता है, बचपन से छोटा टाइम से भगा भगा के अभी इतना बड़ा हो गया। मुझे तो लगता है आप लोगों को डर बहुत कम ही लगता है। अभी थोड़ा कम हो गया अभी हाथी आने से सामने भी हम लोग भिड़ सकता जी। हिम्मत हो गया उतना, मरेगा तो मर जाएगा लेकिन उसे तो भगाना, घर में बाल बच्चा है, बाल बच्चा को भी तो देखना, उसको तो बचाना, हम जाए जाए जैसे कि हमने दिखा छोटे छोटे बच्चे देख सकते आप रोज इस चीज से गुजरते हैं। कल रात का बात है, कल रात को हम अकेला था घर में, परसों रात को मेरा मिसेस और मेरा बच्चा था अकेला दोनों, तो वो टाइम अगर उस तरह टान दिया, एक लेडी है एक बच्चा है, उन लोग क्या करता था, हम तो हिम्मत वाला है हम तो भगा दिया। अभी मेरा बच्चा का भी आठ साल उम्र है, वो क्या करता था? मेरा क्या चाहते, क्या क्या चाहते प्रशासन से आप? जितना गुस्सा हमें दिखा रहे थे मुझे लग रहा है आप कैमरे में दिखा सकते हैं। मेरा कुछ नहीं मांगता, मेरा बात यही है हम लोग ये हाथी तो आएगा ही, इसको तो डिपार्टमेंट कुछ कर नहीं सकता, हम लोग कुछ कर नहीं सकता, ये भी एक जानवर है वो तो आएगा तांग करेगा, लेकिन मेरा बात यही बोलना है कि हम लोग जब कल कॉल करता उन लोगों कि हाथी आया बोल के, कम से कम जितना जल्द हो सके उतना जल्द आके हम लोग हेल्प करें। इनका खेती है, इनका केला पर कितना है सब खत्म? बड़ा बगीचा वो सब उसमें नहीं है अभी नहीं है। तुम्हारे कोई तो कहे तुम इतना कब को बोलता है क्या फर्स्ट वाला को जो फोन करने से हम लोग को आती दो टाइम आएगा उस टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी उस लोग आना, हम लोग के पास जितना टाइम पटाखा रहता उसका उतना टाइम तो हम लोग को देखता, लेकिन उसके बाद में तो कुछ नहीं कर सकता। अभी कल तो पटाखा भी नहीं था, अभी क्या करेगा, साल लोग भी नहीं आता, यही बात है जो साल लोग आना थोड़ा जल्दी आना। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।